बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम क्लास नाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट टू ऑर्गेनेल्स व्हिच इज़ सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले फिर से आपको यही एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ एनिमल सेल। वी हैव रेड अबाउट सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सिमिलरली गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी ऑपरेटर्स। ये तमाम ऑर्गेनेल्स हम पढ़ चुके हैं एक्सेप्ट वैक्यूल, दिस ग्रीन कलर, ठीक है, ये जो आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है वैक्यूल, एंड दीज ब्राउन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, दीज टू ब्राउन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, ठीक है। बाकी तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसको किसने डिस्कवर किया है, इसकी कंपोजिशन क्या है, हम सब पढ़ चुके हैं। लेकिन आज इस एनिमल सेल से रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं, दीज टू सेंट्रियोल्स। आप मेरी पेंसिल देखिए, दीज आर टू सेंट्रियोल्स एंड दिस ग्रीन कलर वैक्यूल। अब ये ब्राउन और ग्रीन कलर के ही ज़रूरी नहीं है कि आपके सेल जो बॉडी के अंदर है वो ग्रीन कलर का हो या ब्राउन कलर का हो। ये बेसिकली आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए या आपको समझाने के लिए, आपकी डायग्राम को कलरफुल बनाने के लिए, ताकि आपको खूबसूरती को देखकर समझ आ सके, ये आपको इसलिए बताया गया है। तो चले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेंट्रियोल और वैक्यूल की तरफ चलते हैं। टुडेज़ टॉपिक इज़ सेंट्रियोल। नाउ वी गेट सम क्लियर लुक अबाउट सेंट्रियोल्स इन आर टॉपिक। अब थोड़ा सा साफ हो गया है, देखते हैं सेंट्रियोल की तरफ। इट्स ऑन पेज नंबर 65। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट्स ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिर्फ और सिर्फ जानवरों में और यूनिसेलुलर, जो आम आंख से नज़र नहीं आते, एक सेल पर कंसिस्ट होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर सेंट्रियोल मिलता है। लोकेशन इन सेल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर सेल, आपको सेंट्रियोल कहाँ पर मिलेगा? नियर एक्सटीरियर सरफेस। एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ है ना ये लेयर, फॉर एग्जांपल, या आप इस तरफ को कह लें कि ये सेल की जो है वो बाहर की जो सरफेस है उसके करीब, तो उसके करीब आपके सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। और सेंट्रियोल्स जो है वो दो की तादाद में होते हैं और ये लंबे लंबे ट्यूब्स की तादाद, ट्यूब्स की शक्ल में होते हैं। स्ट्रक्चर, दे आर होलो, होलो यानी अंदर से खोखले होते हैं, खाली होते हैं, एंड दे आर सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मीन्स लंबे लंबे पाइप से होते हैं और ये अंदर से हॉलो होते हैं, जैसे हमारा स्ट्रॉ नहीं होता जिससे हम अपने जूस वगैरह पीते हैं, ये वो होता है। कंपोजिशन, इट कंसिस्ट ऑफ मेड अप ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स। माइक्रोटिब्यूल्स हम जानते हैं क्योंकि हम ये साइटोस्केलेटन में पढ़ चुके हैं, ये टिब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। सेंट्रोसोम क्या चीज़ है? दो सेंट्रियोल, जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाए, एक सेंट्रियोल ये बड़ा करके अब आपके सामने बना रही हूँ, ये सेंट्रियोल, ये सी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, और एक सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे रखे होते हैं हमेशा सेल के अंदर। ये दो सेंट्रियोल, ये मैंने एंगल बनाया है, ठीक है, ये लिंक रिंग के दरमियान कोई नहीं है, दो सेंट्रियोल्स हैं 90 डिग्री का एंगल के ऊपर एक दूसरे के साथ प्लेस होते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं। फंक्शंस क्या है? स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल, ये सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड होकर दो अलग सेल्स बना देता है, दिस इज सेल डिवीजन। अब इस सेल डिवीजन के दरमियान बीच में बारीक बारीक से धागे नुमा स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि अभी आप नहीं जानते, इंशाल्लाह अगले चैप्टर में ये डिटेल में पढ़ाऊंगी। ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फॉर्मेशन इज़ फॉर्म विच इज़ ड्यू टू सेंट्रियोल्स। फॉर्मेशन ऑफ सीलियन फ्लैजेला, लेट सपोज दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरिया है आपके पास, दीज आर फ्लैजेला, या फिर ये आपके पास पैरामीशियम है, पैरामीशियम के छोटे 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 से बाल होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। बेसिकली ये किससे बने हुए होते हैं? माइक्रोटिब्यूल से बने हुए होते हैं। और माइक्रोटिब्यूल्स हम क्या कहते हैं कि किससे बन रहे हैं आपके पीछे से? सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल जो है वो बेसिकली माइक्रोटिब्यूल से बना हुआ है और यही आगे से आपके सीलिया फ्लैजेला भी बना रहा है और स्पिंडल फॉर्मेशन भी बना रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँ, इसके अलावा, सेंट्रियोल के अलावा माइक्रोटिब्यूल आपके सेल के स्ट्रक्चर को भी बना रहा होता है। मैंने आपको बताया था ना कि माइक्रोटिब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स हमारे सेल के स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं, तो आपको ये वर्ड वहाँ पे भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रियोल भी सीलिया और फ्लैजेला बना रहा है और साइटोस्केलेटन भी सीलिया और फ्लैजेला बना रहा है और वहाँ पर भी स्पिंडल फॉर्मेशन का काम है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है ताकि ये कन्फ्यूज़ ना हो। सेंट्रियोल की एक छोटी सी डायग्राम देख लेते हैं जो कि हमारी बुक में है। दिस इज़ योर डायग्राम, पेज नंबर 65। सेंट्रियोल आपके सामने जो है वो मौजूद है, कलरफुल सी डायग्राम है, ये बेसिकली ये सेंट्रियोल है, ठीक है, कलरफुल से देखिए, उन्होंने आपको ब्लू और ग्रीन कलर से जो है, लाइट ग्रीन है और लाइट ब्लू है और लाइट सा रेड कलर है या पिंकिश कलर कह लें, ट्रिपलेट्स होते हैं,
ठीक है। ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोटिब्यूल के, साइड व्यू आपको बताया और ओवरहेड व्यू। और ये देखें, ये आपके पास 9 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 ट्यूब्स, अब मैं अगर आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये 9 ट्यूब्स, हर कलर हर ट्यूब में जो है वो मौजूद है। ये 9 ट्यूब्स एक दूसरे के साथ बाइंड हुई हुई हैं और इन्होंने सर्कल में अपने आप को अरेंज किया हुआ है। ये देखें, हर लाइन के साथ रेड कलर है, हर लाइन के साथ रेड कलर, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन। ये नहीं है किसी में पहले में ग्रीन आ रहा है, पहले फिर ब्लू आ रहा है, फिर जो है वो रेड आ रहा है। एक तरतीब है, एक अरेंजमेंट है। सो बेसिकली ये सेंट्रियोल के ये जो स्ट्रॉज हैं या फिर स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर, होलो स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, ये इस तरह अरेंज हुए हैं। एक चीज़ के अंदर तीन आपकी जो है वो ट्यूब्स, यानी ट्यूब्स को मैं क्या नाम ले रही हूँ, ये बेसिकली ट्यूब्स नहीं, माइक्रो टिब्यूल्स हैं, जो कि टिब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगी कि आप नेक्स्ट टॉपिक आने से पहले ये क्वेश्चन सोच के अपने पास रखें। What can happen when a lysosome burst inside the cell and all its enzymes are released in the cytoplasm? For example, अगर lysosome आपका आपके सेल के अंदर फट गया है, burst हो गया है किसी भी वजह से, तब क्या होगा? क्योंकि उसके अंदर तो digestive enzymes होते हैं, तो क्या वो तमाम के तमाम organelles को खाना शुरू कर देगा, digest करना शुरू कर देगा, या फिर आपका cytoplasm कोई दूसरा एक्शन फॉलो करके उसको नॉर्मलाइज करेगा ताकि वो आपके उसको हार्म ना करे। आपकी फॉर एग्जांपल जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप वो सोच के यहाँ पर अपनी जो बुक पे पेंसिल से लिख के रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक जब मैं वीडियो आपको सेंड करूँगी, इंशाल्लाह उसमें इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि आप खुद सोच कर इसका आंसर कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गूगल वगैरह जो है वो आप लोग यूज़ ना करें इस क्वेश्चन के लिए, जो आप सोचते हैं वही कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वैक्यूल। लेट्स डिस्कस वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 65। डेफिनेशन, इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। ये सेल है, लेट्स सपोज ये आपका सेल है आपके सामने, इसके अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कोई सी भी हो, जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, पानी जैसी चीज़ भरी हुई हो, जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। आ जाते हैं लोकेशन की तरफ, यानी सेल के अंदर वैक्यूल कहाँ मौजूद होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग जगह पर होता है। प्लांट्स में लार्ज इन द सेंटर, यानी अगर मैं ये प्लांट सेल बना रही हूँ आपके सामने, तो न्यूक्लियस यहाँ पर होता है और ये बड़ा सा, ये जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये क्या है, ये हमारे पास वैक्यूल है। और अगर मैं एनिमल सेल बना रही हूँ, स्मॉल फ्यू मतलब छोटे छोटे कहीं कहीं पर आपके पास वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये मैंने जितने शेड किए हैं ये वैक्यूल्स हैं। फ्यू मतलब यहाँ पर प्लांट सेल में देखें कितना बड़ा एक ही वैक्यूल प्रेजेंट है, जबकि एनिमल्स में डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट नंबर ऑफ वैक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। फंक्शंस की तरफ आते हैं, टेक इन मटेरियल, फूड एंटर इनटू योर सेल, इट कंबाइन विद लाइसोसोम एंड डाइजेस्ट बाय दीज वैक्यूल्स। याद है हम लोगों ने लाइसोसोम का फंक्शन पढ़ा था कि लाइसोसोम्स जो हैं वो आपके जो है वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करते हैं और वो लाइसोसोम उसके अंदर चले जाते हैं और उसके बाद आपकी ब्रेक डाउन होता है और वो निकल जाता है। तो ये सारा का क्या है, टेकिंग इन मटेरियल। नेक्स्ट, एलिमिनेट वेस्ट, वैक्यूल ही हेल्प करता है कि आपका सेल का वेस्ट आपकी सेल से बाहर निकल आए। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं जो कि उनकी बॉडी का वेस्ट, यानी जो असल, फॉर एग्जांपल एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया मैंने बना दिया, ये बैक्टीरिया है, अब उसके अंदर वैक्यूल मौजूद है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा डेवलप तो नहीं होता, न्यूक्लियस वगैरह तो नहीं होता, उसके अंदर वैक्यूल मौजूद है। अब इसी न्यूक्लियस ने इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो बॉडी का गंद वगैरह, वो भी निकालना है और बाकी सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करने हैं। यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल होता है, जबकि अगर आप एक इधर ह्यूमन की बात कर लें, ये ह्यूमन है, लेट्स सपोज एक ह्यूमन में अब बेसिकली क्या होगा, ह्यूमन के अंदर तो एक ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हर सेल का अपना अपना वैक्यूल है। तो हम लोग अपना वेस्ट एलिमिनेट कैसे करते हैं, थ्रू यूरिनेशन, थ्रू फीसिस। तो हमारा और यूनिसेलुलर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हमारा वैक्यूल का जो है टॉपिक वो भी ख़त्म हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सेल की तमाम ऑर्गेनेलीज ख़त्म कर ली हैं। वैक्यूल और सेंट्रियोल ही रह गया था। आज का हमारा नोटबुक वर्क कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये हेडिंग्स देकर आपको लिखवाया गया है, इस तरह फ्लोशीट डायग्राम में तो आप पेपर में मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन इसको हेडिंग्स की फॉर्म में जो मैंने आपके सामने शो की हैं, आप इसी के तरीके से जो है वो अपना लिख सकते हैं पेपर में। इंशाल्लाह अच्छा फीडबैक वापस आएगा आपको, इसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे और डायग्राम्स
की प्रैक्टिस करनी है जो आपके एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। होमवर्क इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करूँगी, आज रिटर्न वर्क कोई नहीं है, बस जो एक क्वेश्चन दिया है लेट्स थिंक वाला आपके साइड बॉक्स पे लिखा है उसको ज़रूर सोचिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे वो ज़रूर डिस्कस करूँगी। अगर कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।